Students of class 5, this is maths class, chapter 4, integers. वैसे इस चैप्टर को पहले भी समझाया जा चुका है, लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड है कि दोबारा समझाया जाए, तो इसीलिए इसको फिर से समझाया जा रहा है। एक बार और आप समझ लीजिए इसको, ये न्यू टॉपिक है आपके लिए। तो हम सबसे पहले ये जानना जरूरी है, शुरुआत में ही हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, ये सब और काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो आप लोग पढ़ते हो बचपन से, वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर उसमें जीरो जोड़ दिया जाए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो जीरो नेचुरल नहीं है, लेकिन वो होल नंबर है। तो जीरो को हम होल नंबर में डाल देते हैं, यानी नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा बॉक्स हो जाएगा इसका, क्योंकि एक जीरो इसमें ऐड हो गया। अब उससे बड़ा टॉपिक है आपका इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स विद पॉजिटिव साइन, ये सारे नंबर्स इसमें पॉजिटिव साइन होंगे और साथ ही निगेटिव साइन। इसमें निगेटिव लग जाएगा, यानी -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये निगेटिव वाले नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर के पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स और साथ में जीरो, ये सब को कहते हैं हम इंटीजर्स, पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो आप यहाँ देखोगे ये है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पर आएंगे जो जीरो, यहाँ पे आप नंबर लाइन से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ जितने नंबर आपको शो किए गए हैं, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है, और इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी यहाँ से 10 के बाद, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, मतलब जहां तक आप जा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है नंबर्स का। और इधर लेफ्ट में भी जितना जाओगे उतना आपको, कोई उसका लिमिट नहीं है, आप बहुत सारे इंटीजर्स है, यानी अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे देखिए आप 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो आप जानते हो। अब 1 का सक्सेसर होता है 2, 2 का सक्सेसर होता है 3, 3 का सक्सेसर होता है, इस तरह से आगे एक एक बढ़ते जाते हैं हम लोग। लेकिन जब प्रेडिसेसर की बात आती है, तो यहाँ पर 2 का प्रेडिसेसर 1 हो जाता है और 1 का प्रेडिसेसर 0। तो क्या 0 का भी कोई प्रेडिसेसर होता है? जी हाँ, 0 में से अगर -1 करते हैं, मान लीजिए आप किसी को 10 रुपए उधार देते हैं और आप उससे 11 रुपए ले लेते हैं, उससे 11 तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, तो वो आपका 1 रुपया आपके ऊपर कर्ज हुआ। तो इसी तरह से आपके पास नहीं है लेकिन आपने उस पर कर्ज चढ़ा दिया, तो इसी को कहते हैं निगेटिव नंबर्स। तो ये -1 यानी 0 से छोटा, 0 का अगर प्रेडिसेसर कहेंगे तो होता है वो -1 है। -1 का प्रेडिसेसर -2, -2 का प्रेडिसेसर, यानी जितना पीछे जाते जाओगे और माइनस लगा दोगे, तो ये नंबर्स 0 से इधर से दाहिने राइट में बढ़ता जाता है आगे, और इधर लेफ्ट में प्रीडिसेसर होते जाता है, यानी कम होता जाता है। 0 से लेफ्ट की जो संख्या है, जो माइनस लगी हुई है, वो सब 0 से छोटी होती है, और 0 से राइट की जो भी संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये सारी संख्याएं में प्लस नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप इसमें प्लस लगा सकते हो, प्लस छुपा हुआ है। तो ये सारी संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं हैं और ये सारी संख्याएं निगेटिव संख्याएं हैं। तो ये निगेटिव संख्या, ये पॉजिटिव संख्या है और साथ में जीरो, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। आपकी बात अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी हम इन नंबर्स को यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो हम पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, इस तरह से सबको प्लस लगा के हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव संख्या है, और इधर वाली कहेंगे इसमें माइनस लगा हुआ है, और ये सब 0 से छोटी होती। आप जितना लेफ्ट में जाओगे, मान लीजिए आप 2 संख्याएं ली हैं यहाँ पे -7, -6, तो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो ये राइट वाली बड़ी है और पीछे वाली छोटी है। निगेटिव के साथ बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 4A पर। नाउ एक्सरसाइज 4A, इसको आप लोग देखिए क्या हेडिंग है। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स विथ ब्लैक डॉट्स।
तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, आप चाहे तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो एक ही नंबर लाइन पे भी आप चारों क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉ करना है, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, इसमें बीच में होता है जीरो और राइट में होता है पॉजिटिव संख्या और लेफ्ट में होती है निगेटिव संख्या। इधर से 1 2 3 4, इधर लेफ्ट में जाएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो यहाँ पे आपको डिनोट करना है 5 5, के आगे कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव संख्या है, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव संख्या है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस नंबर लाइन पे 5 कहाँ है, तो ये 5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करके इसको ब्लैक डॉट से आप लगा दोगे तो आपका यहाँ पे 5 दिख जाएगा। फिर नंबर लाइन पे आपको शो करना है -8, तो -8 कैसे बताओगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको -1 से लेके आपको -8 यहाँ पे दिख रहा है, तो आप -8 यहाँ पे डार्क कर दोगे। इसी तरह से उसके बाद है नेक्स्ट है 7, तो 7 भी पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव के सब तरफ जाओगे, 0 से राइट की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे 7 दिखेगा, इसको डार्क कलर से आप डिनोट करोगे। इसके बाद है -4 जीरो के लेफ्ट में जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे -1 -2 -3 और -4, तो ये -4 को अगर इससे बड़ी संख्या मिलती है तो आपको और नंबर लाइन लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, जितनी संख्या होगी उतना ड्रॉ कर सकते हो, और नहीं तो और ज्यादा संख्या है तो थोड़ा लंबा इसको ड्रॉ करोगे और दोनों तरफ एरो दे दोगे, इसका अर्थ है कि दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो इस नंबर लाइन को। अब ये आपको समझ में आया, सिर्फ इसको ब्लैक डॉट कर देना है और नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है इस नंबर लाइन पे। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अपोजिट, वैसे भी अपोजिट आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश में हर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे अपोजिट कैसे करना है आपको देखिए। गोइंग वेस्ट, यहाँ पे कह रहा है कि गोइंग वेस्ट, वेस्ट जा रहे हैं, तो आपका अपोजिट हो जाएगा गोइंग ईस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, आप ईस्ट वेस्ट जाने की बजाय ईस्ट जा रहे हो तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लॉस ऑफ ₹100, तो लॉस हो गया तो यहाँ पे नुकसान हुआ, तो यहाँ पे फायदा होगा जिसको प्रॉफिट या गेन कहते हैं, तो गेन ऑफ ₹100 तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, आपका वैल्यू वही रहेगा, लेकिन यहाँ लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया टेम्परेचर, तो आपका ऊपर चला जाएगा, अपोजिट में क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस अब 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऊपर चले जाएगा। इस तरह से अपोजिट होता है, जहाँ बिलो लिखा रहेगा ऊपर चला, वहां पे उसका अबव हो जाएगा, जहाँ पे प्राइस हाइक होगा इंक्रीज होगा वहां डिक्रीज होगा, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, राइट एन इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझ के आपको पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स के साथ इसको शो करना है। यहाँ पे देखिए इंक्रीज है, इंक्रीज यानी बढ़ना, तो ये 0 से ज्यादा मतलब कहलाएगा ये पॉजिटिव संख्या, ये बढ़ रही है तो पॉजिटिव 10,000, यहाँ पे 10,000 आपको दिख रहा है, ये मेल्स जो है पॉपुलेशन में 10,000 मेल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज को हम प्लस साइन से दिखाएंगे, बढ़ रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है तो प्लस साइन से दिखाएंगे, प्लस 10,000। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में लॉस इन वेट बाय 10 kg, तो यहाँ लॉस हो रहा है यानी घट रहा है, तो घटने के लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे और -10 kg लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया हुआ है तो उसमें आपको प्लस के साथ लिखना है क्योंकि वो भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव है तो -2 के साथ लिखना है, और यहाँ पे प्लस ₹50 ई नंबर में और एफ नंबर में +30 degree, तो जहाँ ऊपर चढ़ रहा है वो प्लस के साथ होगा, प्लस साइन के साथ, और जहाँ नीचे गिर रहा है या घट रहा है तो वहां पे निगेटिव साइन के साथ। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपको नेक्स्ट क्लास में 4 5 6 आगे के क्वेश्चंस बताए जाएंगे।